हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था 25 क्वेश्चन की श्रृंखला मैं जारी किया हूँ, तो मैं पर डे अब 25-25 क्वेश्चन की श्रृंखला दूंगा, जो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। नीट में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन उसी से संबंधित हैं सारे के सारे। विथ ये आपके जान लो कि 100 क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन सभी सॉल्व में, मतलब हर एक 25 क्वेश्चन में एक या दो क्वेश्चन आपको सेम ऐसे कंडीशन मिलेंगे। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ, सभी वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, जीवन की उत्पत्ति के प्रक्रम के दौरान छोटे अणु आपस में मिलकर बहुलक का निर्माण करते हैं, इन अभिक्रियाओं के लिए ऊर्जा स्रोत था। क्वेश्चन नंबर 126 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 127, उद्विकास के दौरान प्रथम जीवन प्रारूप प्रोकैरियोटिक कोशिका थी जो निम्न के समान थी, जीवाणु विषाणु निर्हरी शैवाल एक्टिनोमाइसिटीज। तो क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 128, उद्विकास के दौरान बनने वाले यौगिकों का सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, H2O CH4 कीटोन प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 128 का 3, उद्विकास में उत्परिवर्तन का योगदान है, किसका योगदान है, जननिक विभिन्नता, यानी कि 129 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्विन की चिड़ियों में विभिन्न पोषक प्रकृति थी, परंतु इन चिड़ियाओं का वास्तविक पूर्वज थी, 130 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, बीजभक्षी, कीटहारी बीजभक्षी कीटकोशी, यानी कि इसमें 130 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 131, उद्विकास के दौरान प्रथम संवहनी पादप की उत्पत्ति किस कल्प में हुई थी, परमियन, डेवोनियन, आर्डोविशियन, सिलूरियन। 131 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, सिलूरियन। उद्विकास के दौरान ट्राइलोबाइट्स की उत्पत्ति कौन से कल्प में हुई थी, कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिलूरियन, जुरासिक। 132 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, कैम्ब्रियन। क्वेश्चन नंबर 133, मछली के अंश पंख व सील के फ्लिपर उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 133 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, समजात अंग। ठीक है, किसी समष्टि में उपस्थित अधिकांश जननिक विभिन्नताएं का स्रोत हैं, कौन सा स्रोत, उत्परिवर्तन, प्राकृतिकरण, जननिक पृथककरण, जीन विनिमय। क्वेश्चन नंबर 134 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। गाइस मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इतने क्वेश्चन हैं कि आप सब शायद देखते देखते उब जाएँ, बट मैं वुमन है, मैं आप सबके लिए बहुत कुछ करूँ, मैं आप सबके लिए ये सारी वीडियो डालूंगा, जो बहुत सारी मेरे पास स्टेट बुक लिख हैं, मैं सबको आप सबको साल्व करके विथ आंसर की बताऊंगा। ओके गाइस, यदि आपको ज़रूरत पड़े तो बताना, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की ब्लैक बोर्ड विथ व्हाइट बोर्ड पर सॉल्व करके हर एक क्वेश्चन का आंसर भी बताऊँगा, यदि आपको ज़रूरत पड़े तो बताना, मैं वो भी करूँगा, और विथ सॉल्व करके जो आप जो क्वेश्चन ना समझ में आए उसको कमेंट में डालिए, और प्लीज़ हो सके तो गाइस लाइक करिए, लाइक ही ना समझ में आए तो अनलाइक ही कर दीजिए, कम से कम मुझे ये तो लगेगा कि आप सब लोग मेरा वीडियो देख के कुछ तो रिएक्शन कर रहे हैं। ओके गाइस, तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम को ना लेते हुए। क्वेश्चन नंबर 135, कौन सी घटना प्राकृतिक वरण के लिए कच्चा माल प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 135 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, उत्परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 136, मानव जीवाश्म के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, नियंडरथल तथा क्रोमैग्नान मानव पृथ्वी पर कुछ समय साथ साथ रहे। क्वेश्चन नंबर, कौन से कल्प को डायनासोर का स्वर्णिम काल कहा जाता है, कौन से काल को कहा जाता है, जुरासिक को, डायनासोर का स्वर्णिम काल जुरासिक को कहा जाता है। जुरासिक एक मूवी भी नाम आई है, जो गाइस जिसको ना याद हो उस मूवी को नाम याद कर लीजिए, जुरासिक पार्क था, तो उसी मूवी से संबंधित याद हो जाएगा इजीली। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह हैं, तो कौन सा ग्रह है,
पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह, 138 का बी, वीनस है। ओके गाइस, फसल सुधार की सर्वाधिक तीव्र विधि है, 139 का दो सही है। पुनः स्थापन, शुद्ध वंशक्रम चयन विधि निम्न में से सुधार के लिए उपयोग की जाती है, 140 का एक, स्वपरागित फसल। NP-16 गेहूं की एक उन्नत किस्म है, यहाँ NP का सर्वोत्तम है संदर्भ है, 141 का तीन, निपूसा। क्वेश्चन नंबर 142, फसल सुधार का सर्वाधिक सामान्य तरीका है उत्परिवर्तन, संकरण, वरण, पादप पूरा स्थापन, 142 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, वरण। HUW486 निम्न किस्म की उन्नत किस्म है, तो 143 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, गेहूं। नर के वृषण व मादा के अंडाशय निम्न के उदाहरण हैं, 144 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, समजात अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संकर क्रॉस की F1 पीढ़ी में शुद्ध प्रभावी या शुद्ध अप्रभावी की परसेंट क्या होगी, 145 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 0%। निम्न में से ट्रांस जीन अपनी अभिव्यक्ति कैसे देती है, पहले से उपस्थित जीन के प्रभाव को अवरुद्ध करके, जैव संश्लेषी पाथवे को रूपांतरित करके, प्रोटीन को उत्पादित करके जो वांछित लक्षण प्रारूप को प्रकट करती है। इसमें गाइस सभी होगा, उपरोक्त सभी, 146 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। लक्षण प्रारूप है, कौन सा प्रारूप है, वातावरण से प्रभावित होता है, आयु के साथ परिवर्तित, जीन की अभिव्यक्ति, उपरोक्त सभी, 147 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, यानी सब। 148, टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस में बनने वाले लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप के प्रकार की कुल संख्या होगी, 148 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, 97। क्वेश्चन नंबर 149, प्रोकैरियोटिक में कितने सहलग्न समूह पाए जाते हैं, एक, 149 का ऑप्शन नंबर एक ही सही होगा। निम्न में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण का भाग नहीं है, 150 का राष्ट्रीय पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वन्य जीव अभयारण्य, जीव बैंक, 150 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, जीन बैंक। ओके गाइज, तो गाइज में ये 25 क्वेश्चनों की श्रृंखला थी जो कि मैंने करवा दिया। अब अगले वीडियो में नेक्स्ट 25 क्वेश्चन के और सॉल्व कराऊंगा, जिससे कि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो पाए। ओके गाइज, धन्यवाद।